ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा आगे। तो यार ये देखो, ये रैपिड टेस्ट हो रहा है, इसके बिना आप आगे जा नहीं सकते हो। रैपिड टेस्ट हो रहा है उत्तराखंड बॉर्डर पे। आगे तैयारी हो रही है, तुम यार बता नहीं रहे। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊँ। अरे साहिल भाई जी, साहिल भाई है क्या? मतलब तुम, मतलब 2 दिन की छुट्टी में तुम छोटा मोटा प्लान बनाने के चक्कर में हो? बना लिया बनाने के चक्कर में नहीं, बना गर्म कपड़े रखे जा रहे हैं मतलब। बिल्कुल। अरे तो दादा, कौन से स्टेट में लेके जा रहे हो? नहीं बताया जाएगा। यूके सुना था हमने। यूके? तो भाई साहिल भाई आए अलवर से स्पेशली क्रिसमस की छुट्टी बनाने के लिए। बिल्कुल। क्रिसमस की छुट्टी बनाने के लिए आ रहे हैं हम, शायद उत्तराखंड, शायद नहीं पक्का। हाँ मतलब जो भी। तो 2 दिन की छुट्टी में दिल्ली के आसपास मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इस ब्लॉग में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, सामान वान पैक करके। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, जस्ट अभी मैं घर से उतरा था और बीइंग हिमांशु का वेट करा मैंने। जैसे कि तुम्हें पता है कि कितना लेट आता है वो। और इस बार फिर हम जो स्पीति में हम गए थे, मैं, साहिल और बिंग हिमांशु, फिर से हम तीनों जा रहे हैं उत्तराखंड। तो कैसे हो यार आप सब? मिस किया होगा आपने हमारी सारी कंपनी, हम तीनों की। और दोबारा से आपको एंटरटेनमेंट के लिए हम कोई नई जगह लेके आ रहे हैं मिलके। तो इस बार जो क्रिसमस पे एक्चुअली इस बार जो व्लॉग है वो इस तरीके का है कि 2 या 3 दिन की अगर आपकी छुट्टी है, आप फ्री हैं, तो आप आसपास कौन से हिल स्टेशन पे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने उत्तराखंड के पास का हिल स्टेशन डिसाइड किया है, तो मतलब 2-3 डिसाइड किए हैं, तो उन दोनों तीनों में से कोई एक पे हम जाएंगे। मुक्तेश्वर, पंगोट और अल्मोड़ा, ये 3 जगह डिसाइड करी है, तीनों में से देखते हैं कहाँ जाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। कितना है रेट? 10 रुपये। तो दिल्ली से सस्ता है? अरे ये बढ़िया हो गया ऐसा भाई, दिल्ली से सस्ता है यहाँ पे पेट्रोल। अरे बीइंग हिमांशु है क्या? हिमांशु भाई क्या हो गया, मतलब तकलीफ तो नहीं हो रही ऐसे फॉग में गाड़ी चलाने में? नहीं नहीं भाई, कोई दिक्कत। जैसे कि जस्ट अभी अभी सुबह हुई है, तुम तो भाई फुल टोपा छोपा लगा के मतलब पूरे वुलन कैप में मतलब देख रहे हो बाहर। हाथ निकालना जरा एक बार, अंदर नहीं आएगा इतनी गारंटी है, बाहर ही आ जाएगा। हमारे बमसी भाई बैठे हुए हैं। बमसी भाई, ये बमसी फ्रॉम स्पीति वैली। फॉग हो रहा है, फुल पावर फॉग। हिमांशु भाई और बमसी भाई, तो भाई ये अपनी 3 की तिगड़ी जो स्पीति वैली गए थे हम, वो 3 थे भाई। और जहाँ पे हमने स्पीति वैली कवर किया था, मतलब जब हम गए थे जून में, तो हम फिर निकल गए हैं उत्तराखंड के लिए। और 2 दिन की छुट्टी है ऑफिस की, हम निकले हैं खोज में स्नोफॉल के। देखते हैं मुक्तेश्वर में सोचे जाते हैं, स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है मुक्तेश्वर। तो आसपास तो यही जगह है 2-3 दिन की छुट्टी के लिए, बाकी कुछ बड़ा अगर हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे तो बताएंगे। बिल्कुल। इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, वॉयजर आमिर 90, बिंग हिमांशु, फिर चैनल का नाम, उसके इंस्टाग्राम पेज का नाम हिमांशु। कहाँ पहुंचे वैसे अभी तक? वैसे हमने गढ़ मुक्तेश्वर क्रॉस कर लिया है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, और काफी फॉग है बाहर। नेचर कॉलिंग, क्या मस्त जगह है हल्का होने के लिए, खेत खलियानों में। भाई पूरा फॉग है यार,
सोचो यहाँ ये हाल है, पहाड़ों पे क्या हाल होगा। ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा आगे, ये अपनी गाड़ी है जिस गाड़ी से आज हम जा रहे हैं, ये बीइंग हिमांशु। इसने अपना चैनल का नेम लिखवाया हुआ है। वो देखो गाड़ी गई, गाड़ी गया फॉग के अंदर। ये हमारे बीइंग हिमांशु है, प्रमोट कर दिया मैंने तुम्हारे चैनल पीछे। और ये आप देख सकते हैं वॉइजर आमिर जो कि रात को ड्यूटी करके आए थे और अब थोड़ी सी नींद ले रहे हैं क्योंकि आगे सफर में इनको गाड़ी चलानी है। अभी हिमांशु भाई ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि भाई रात को इन्होंने पहले ही नींद ले ली थी 3-4 घंटे की, तो अब इनकी बारी है गाड़ी चलाने की। बाकी आप देख रहे हैं फॉग कितना हो रहा है यहाँ पे। रास्ता वैसे क्लियर है ना? हाँ रास्ता एकदम क्लियर है। तो सीट हो गई चेंज, हिमांशु भाई आ गए कंडक्टर सीट पे। सिक्का कहाँ है पूरा? सिक्का अरे यहाँ से करवा ना, शीशे पे बजाने वाला सिक्का। क्या क्या बोलेंगे से? मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर हल्की है भारी 5 रुपए सवारी। तो सीट हो गई चेंज, सीट का आदान प्रदान हो गया है, अब हम आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। अब हम चलाएंगे मुक्तेश्वर तक और हिमांशु भाई बैठेंगे और थोड़ा सा नैप भी ले सकते हैं। हिमांशु भाई थक गए हैं, बिग हिमांशु नैप ले सकते हैं और चाहे तो साहिल भाई भी ले सकते हैं। साहिल भाई नैप तो लेना ही पड़ेगा ना, देखते हैं। मैंने शेरू का भी सोते होते देखा नहीं, पहली बार देखूंगा अगर सोए। हिमांशु भाई ये तो वैसे ही जंगल लग रहा है ना, जैसे जिम कॉर्बेट वाला जंगल टाइप। जंगल स्टार्ट हो गया है और शेर कहीं से भी आ सकता है, ऐसा अभी वहाँ बताया था जहाँ भी हमने खाना खाया था कि शेर कहीं से भी उछल के अपना अटैक कर सकता है। और इस जंगल में शाम के टाइम पे गाड़ी जब जाती है तब भी बोलते हैं कि बाहर ना निकले। 5 बजे यहाँ से सारे ठेले हट जाते हैं भाई इस रोड से। तो यार ये देखो ये रैपिड टेस्ट हो रहा है, इसके बिना आप आगे जा नहीं सकते हो। आमिर भाई यहाँ पर हो रहा है रैपिड टेस्ट हो रहा है उत्तराखंड बॉर्डर पे। भाई रैपिड टेस्ट हुआ है उत्तराखंड बॉर्डर पर, तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि उत्तराखंड बॉर्डर पे एंट्री जब होती है तो रैपिड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। गाइस हम आ चुके हैं हल्द्वानी है, अभी तो टेम्परेचर नॉर्मल है, यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी है, मतलब गर्मी नहीं मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। और सामने पहाड़ दिखने हो गए शुरू, और पहाड़ दिखते ही पहाड़ जैसे ही दिखना शुरू होता है मन में ना एकदम खुशी आ जाती है। ओ भाई पहाड़ सामने ही पहाड़ है, और थोड़ा और पास जाके मैं दिखाता हूँ अभी, रुको ज़रा। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं पहाड़ों पे ऊपर, और इस टाइम हम काफ़ी हाइट पर हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उत्तराखंड में यही है कि यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं पहाड़ों में तो एकदम से ही जो पहाड़ों की हाइट है वो काफ़ी ऊपर है। आप मसूरी चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, मुक्तेश्वर कहीं भी तो हाइट एकदम से है। यहाँ पे देखो हमें जस्ट अभी पहाड़ पे चढ़े हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, हम इतनी हाइट पर हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा हाइट पर। गाड़ी भी इतनी
ये प्रॉब्लम होती है वीकेंड पे पहाड़ों पे आना, बहुत ही ट्रैफिक जैम लगा हुआ है पहाड़ों में। तो गाइज रूम हमने ले लिया है, क्रिसमस न्यू ईयर की वजह से काफ़ी महंगा है यहाँ पे रूम, बट हमने फिर भी ढूंढ लिया, खोज लिया सस्ता रूम, कुछ यहाँ पर है रूम, इधर ये अपना रूम है, ये छोटा सा रूम मिला है हमको क्योंकि पूरा रश है मुक्तेश्वर में, कोई रूम खाली नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला है, अदरवाइज बाकी सब बहुत महंगे रूम है। और ये बाहर का नज़ारा, तो गाइज ये वो प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे हायर किया है, ये ऊपर रूम है अपना, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और ये मुक्तेश्वर में पड़ती है, और प्रॉपर्टी का नाम है अनंतरम होम स्टे, तो ये होम स्टे है बेसिकली, और यहाँ पे बहुत ही सुकून है, बहुत सुकून वाली जगह है। शायद ये वेजिटेशन करते हैं अपनी, ये देखो गोभियाँ लगी हुई हैं, ये बंद गोभी की वेजिटेशन की है ना, ये देखो यहाँ पे मैं करता हूँ अपने व्लॉग का एंड, और सेकंड व्लॉग में मैं आपको, जैसे कि आज क्रिसमस है तो क्रिसमस यहाँ पे मुक्तेश्वर में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो दिखाते हैं, और यहाँ पे ऐसे मॉल रोड जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, बट आगे एक मंदिर है, वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, तो देखते हैं क्रिसमस पे रात में वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस को, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिन में यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, और अब देखो एकदम खाली पड़ा हुआ है, ऐसा इतना ट्रैफिक जाम था ना दिन में यहाँ पे।